नमस्कार, मैं हूं राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 7वीं से 9वीं कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम में उम्र सीमा के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दी है। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। वहीं प्रार्थी की ओर से कहा गया कि साल 2020 में जेपीएससी की ओर से कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उम्र सीमा की कट ऑफ डेट 2011 रखी गई थी। एक साल बाद दोबारा से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें उम्र सीमा की कट ऑफ डेट 2016 रखी गई। उनकी मांग है कि कट ऑफ डेट को 2016 की जगह 2011 की जाए, क्योंकि नियम के अनुसार हर वर्ष सिविल सर्विस की परीक्षा होनी चाहिए। वहीं जेपीएससी की ओर से कहा गया कि यह मामला नीतिगत मामला है और यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। बता दें आपको कि जेपीएससी की ओर से कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम में 252 पदों के लिए आवेदन जारी किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।